हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम प्राची। आशा करती हूँ आप सब लोग हैप्पी होंगे, सेहतमंद होंगे आपकी लाइफ में। आज का जो ये व्लॉग है ये एक क्लीनिंग व्लॉग है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मैं अपना फ्रिज जो है वो कैसे क्लीन करती हूँ। बेसिकली फ्रिज ये जो चीज़ है ना, जिसको आप बोल सकते हो खाने पीने का खजाना होती है फ्रिज ये चीज़। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप आपका फ्रिज जो है वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे क्लीन करते रहे। आज मैं जो आपको क्लीनिंग दिखाने वाली हूँ ये है मेरा वीकली बेसिस वाला फ्रिज क्लीनिंग रूटीन। मंथली बेसिस पे भी मैं जो है डीपली अपना फ्रिज क्लीन करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीकली फ्रिज क्लीनिंग रूटीन। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा जो अपर पार्ट है फ्रिज का, उसके साथ में। फ्रिज के ऊपर वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं जो है मेरे पास एक मसाला दानी जैसा है जो शोपीस की तरह भी लगता है, उसको मैं सिर्फ फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। एंड अगर कुछ फ्रूट्स वगैरह आते हैं एक्स्ट्रा के तो वो मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। वो सब जो सामान अपर एरिया में था फ्रिज के वो मैंने सब निकाल लिया है, और फ्रिज में जो ऊपर कवर रखा था वो कवर भी मैंने निकाल लिया है। फ्रिज का जो कवर है वो ज़्यादातर आपको वीकली बेसिस पे क्लीन करना चाहिए, फिर आप उसको जो है नॉर्मल पानी से भी क्लीन करेंगे तो भी वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद में मैंने फ्रंट में जो भी हमने यहाँ पे मैग्नेट्स लगाए थे वो भी मैंने सब निकाल दिए हैं। अभी जो है मैं यहाँ पे अपर एरिया जो है फ्रिज का वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के लिए मैंने एक DIY क्लीनर बनाया है जिसमें मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी एंड जो डिश वॉशर होता है अपना डिश वॉश करने के लिए जो लिक्विड होता है डिश वॉशर लिक्विड, उसको मैंने मिलाया है 1 कप पानी। एंड उसके साथ में आपको मिलाना है सिर्फ 1 चम्मच या फिर आप 2 से 3 बूंदे भी उसकी डाल सकते हो। एंड अच्छे से आपको जो है एक क्लीन कपड़े के साथ में अपर एरिया जो है वो क्लीन करना है। अपर एरिया जो है नॉर्मली ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर जो है हमने शीट्स बिछाए होते हैं या फिर फ्रिज का कवर जो है वो होता है। तो अपर एरिया क्लीन करने के बाद में मैं यहाँ पे रख रही हूँ फ्रिज में जो भी सामान है उसमें से जो सामान अभी मुझे सब निकालना पड़ेगा क्लीन करने के लिए, तो वो सामान जो है मैं थोड़ा बहुत ऊपर एंड थोड़ा जो है मैं सामने काउंटर टॉप पे रख दूँगी। बेसिकली मैं यहाँ पे फ्रिज जो है वो पूरी तरह से खाली कर रही हूँ ताकि फ्रिज का जो है क्लीनिंग मैं अच्छे से कर पाऊँ। यहाँ पे फ्रिज बंद करना मैं भूल गई थी, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। जब भी आप फ्रिज की क्लीनिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप आपका फ्रिज जो है वो बंद कर ले, उसके बाद में ही आपको क्लीनिंग करनी है। सारा सामान आपको फ्रिज में से निकालना है। यहाँ पे एक टिप मैं और आपको दे रही हूँ कि फ्रिज जो है ना, अगर आप वीकली बेसिस पे क्लीन करेंगे तो जो भी सब्जियाँ हम लोग खरीद के लाते हैं, नॉर्मली अभी आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें हम लोग जो है वीक का पूरा जो सब्जी वाला स्टॉक होता है वो लेके आते हैं, सब्जी फ्रूट्स वगैरह सब कुछ। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना, कुछ सब्जियाँ जो होती है वो पीछे ही रह जाती है, आगे आगे की सब्जियाँ जो है वो यूज़ कर लेते हैं हम लोग, बाकी की सब्जियाँ जो है वो पीछे रह जाती है। तो अगर आप ऐसा वीकली बेसिस पे उसको क्लीन करेंगे ना, तो एक चीज़ होगी कि आपकी कोई सब्जी फल फ्रूट जो भी है वो कुछ भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ जो है ना, अगर आपको वीकली बेसिस पे ये फ्रिज का जो है पूरा ख़जाना अगर निकालना पड़ेगा ना, तो आप फ्रिज में ज़्यादातर चीज़ें नहीं रखेंगे। जो चीज़ें रिक्वायर्ड है एंड जिनको फ्रिज में रहना चाहिए वही चीज़ें हम लोग रखेंगे। अगर आप मंथली बेसिस पे भी क्लीन करते हो ना, तो भी फिर क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो पीछे के पीछे ही रह जाती है। इसलिए आपको जो फ्रिज है वो वीकली बेसिस पे भी क्लीन करना चाहिए। वीक टू वीक अगर आप उसको क्लीन करेंगे तो फ़ायदा ये भी होता है कि आपका फ्रिज बहुत गंदा नहीं होता है। बहुत अगर गंदा हो गया फ्रिज तो फिर उसको क्लीन करना भी बहुत हेक्टिक हो जाता है, एंड फिर ऐसा गंदा फ्रिज जो है वो यूज़ करना भी अच्छा नहीं है, एंड इतना गंदा फ्रिज फिर आपको क्लीन करने के लिए आलस भी आता है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये जो फ्रिज क्लीनिंग रूटीन है आज का मेरा, ये ऐसा अगर आप वीकली फॉलो करेंगे तो आपको जो है मैक्सिमम 10 से 15 मिनट्स लगते हैं क्लीनिंग करने के लिए। अभी मैं ये जो दिखा रही हूँ आपको ये है बिफोर क्लीनिंग फ्रिज। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरा फ्रिज जो है वैसे तो पूरा क्लीन ही है, लेकिन कुछ कुछ पार्टिकल से खाने के वगैरह जो गिर जाते हैं
तो वो जो है आपको उसी चीज़ के लिए आपको क्लीन करना है फ्रिज वीकली बेसिस पे। अगर ये पार्टिकल्स वीकली बेसिस पे मैं नहीं हटाऊंगी तो फिर पूरा एक मंथ होने तक ना वो चिपक जाते हैं, फिर उसमें से ही गंदगी जो है वो फैल जाती। यहाँ पे भी आप देखो वैनिला एसेंस जो है मेरा थोड़ा सा गिर गया है, वो ही जाता है। आप कितना भी ध्यानपूर्वक काम करेंगे ना किचन में तो भी थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हमसे भी हो जाती है। अभी मेरी तो बेटी है तो बेटी क्या करती है, फ्रिज खोलती भी है एंड डोर जो है वो इतने ज़ोर से क्लोज करती है कि कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो गिर ही जाती है। सब सामान जो है वो फ्रिज में से निकालने के बाद में जो है जो भी ड्राई चीज़ें वहाँ पे पड़ी है फ्रिज में, जैसे अभी मेरी फ्रिज में आप देख सकते हो कि डोर वाला जो पार्ट है उसमें कड़ी पत्ता वगैरह थोड़ा बहुत गिर गया है, तो वो सब चीज़ें जो है वो पहले मैं क्लीन कर लूँगी। उसके बाद में ही जो है मैं वहाँ पे कपड़ा एंड जो मैंने लिक्विड बनाया है वो लिक्विड जो है वो मैं उस पर फैला दूँगी। अगर आपका फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है या फिर उसके ऊपर अगर पीले दाग वगैरह पड़ गए हैं तो ये जो क्लीनर मैंने बनाया है ये क्लीनर में आपको ऐड करना है, जैसे एक कप अगर पानी लिया है आपने या फिर एक गिलास अगर आपने पानी लिया है तो उसमें जो है आपको 5 से 6 बूंदे जो है वो लिक्विड आपका जो भी डिश वॉशर है वो आपको डालना है, प्लस आप उसमें जो है विनेगर डाल सकते हो। अगर आप लिक्विड जो खाने का कुकिंग वाला विनेगर होता है वाइट विनेगर, वो अगर आप ले रहे हो तो वो जो है आपको आधा कप उसमें मिलाना है। उससे भी आप जो है साफ़ कर सकते हो, विनेगर जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है क्लीनिंग करने के लिए। अगर पीले दाग वगैरह पड़ रहे हैं आपके फ्रिज में तो आप जो है उस जगह पे सबसे पहले बेकिंग सोडा जो आता है जो खाने में हम लोग यूज़ करते हैं वो वाला बेकिंग सोडा जो है जहाँ पे भी दाग है वहाँ पे आप उसको फैला के रखिए। 10-15 मिनट का टाइम होने के बाद में जो है लिक्विड से आप उसको क्लीन कर लीजिए। आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फ्रिज होता है उसको कभी भी आप स्क्रब से ना ही क्लीन करें तो अच्छा है, क्योंकि स्क्रब जो है ना कितना भी अच्छा सॉफ्ट भी स्क्रब हो तो भी स्क्रैचेस पड़ने के डर जो है वो रहता ही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी कॉटन का कपड़ा आता है कोई भी कॉटन का कपड़ा आप ले लीजिए, उससे जो है आप आपका फ्रिज क्लीन करने की कोशिश कीजिए तो आपका फ्रिज जो है वो क्लीन का क्लीन रहेगा, वाइट का वाइट ही रहता है अंदर वाला पार्ट एंड स्क्रैचेस जो है उसमें आने का डर बिल्कुल नहीं रहता है। यहाँ पे जो है मैंने डोर की साइड से स्टार्ट किया है, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जो गैस्केट होता है रबर जो होता है जिससे फ्रिज बंद होने में आसानी होती है, उस वाला जो पार्ट है उसको आपको कभी भी भूलना नहीं है क्लीनिंग करने के टाइम पे। नॉर्मली मैंने देखा है कि सब लोग क्या करते हैं, नॉर्मली महिलाएं ही क्लीनिंग करती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना अंदर वाला जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। जहाँ से हम लोग फ्रिज क्लोज करते हैं डोर का ये जो गैस्केट है रबर है इसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। ये अगर क्योंकि ये चीज़ें क्या है ना, जैसे ये रबर वाला पार्ट है ये अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे ना तो फिर उसके ऊपर जो है डस्ट या धूल जो है वो जमते जमते इतनी जम जाती है कि फिर बाद में जो है वो क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड कुछ समय बाद तो ऐसा हो जाता है कि वो क्लीन ही नहीं होता है आप कितना भी उसको क्लीन करने की कोशिश करो। वैसे तो बहुत ज़्यादा गंदा है तो एक ऑप्शन ऐसा भी होता है कि वो पूरा जो रबर वाला पार्ट है उसको आप निकाल के क्लीन कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें निकालना आपको आना चाहिए, फिर से उसको लगाना भी आपको आना चाहिए, इसलिए जो है आप उसको हमेशा से अच्छे से क्लीन करने की कोशिश कीजिए। डोर वाला जो पार्ट है मेरा वो क्लीन होने के बाद में यहाँ पे जो है मैं अंदर वाला सेक्शन जो है वो भी क्लीन कर रही हूँ। लिक्विड जो है मेरा पानी एंड डिश वॉशर वाला उसको मैंने सब जगह पे फैला दिया है। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पे एक एक चीज़ जो है उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। मेरे फ्रिज में बहुत ज़्यादा दाग नहीं है, दाग धब्बे नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नॉर्मली जो हम लोग डस्टिंग करते हैं बाहर रोज़ की जो फर्नीचर की वगैरह डस्टिंग करते हैं उसमें जितनी मेहनत लगती है उतनी ही मेहनत मुझे यहाँ पे फ्रिज क्लीन करने में लग रही है, इसलिए जो है आपका टाइम भी बच जाता है। आप देखिए यहाँ पे मैं जो है हर एक कोना हर एक पार्ट जो है वो अच्छे से क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छे से क्लीन कीजिए या फिर आपको जो है मेहनत कम करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए आपका फ्रिज क्लीन करने की, फिर आप देखिएगा आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी एंड टाइम जो है वो तो ऑब्वियसली कम लगेगा ही लगेगा। ज़्यादा टाइम जो है सिर्फ सामान निकालने में फ्रिज से एंड फिर से उसको रीअरेंज करने में ही लगता है, क्लीनिंग करने में एज सच 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे।
यहाँ पे जो है मैं अच्छे से सब चीज़ों के ऊपर जो है कपड़ा मारने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा जो फ्रिज है इसको मैं 3-4 स्टेप में क्लीन करती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने पूरा सामान निकाल लिया, सामान निकालने के बाद में मैंने जो है ड्राई कचरा नहीं बोल सकते एक्चुअली, जो भी चीज़ें गिरी हुई है ड्राई, वो सब चीज़ों को जो है मैंने पहले हटा लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो लिक्विड मैंने बनाया था वो लिक्विड मैंने सब जगह पर फैला दिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे डोर वाला जो पार्ट है उसको मैंने क्लीन कर लिया है सबसे पहले। उसके बाद में मैंने अंदर वाला जो सेक्शन है उसको क्लीन किया है। क्लीनिंग वाला ये जो फर्स्ट है वो मैंने जो अलग कपड़ा था उससे किया है। अभी ये आप देख रहे हो ये मेरे पास दूसरा वाला कपड़ा है। दूसरे कपड़े से जो है आपको वो हल्का गीला कीजिए आप, एंड उसके साथ में फिर आप जो है एक और बार पूरा फ्रिज जो है वो अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट वाला जो क्लीनर जो हमने यूज़ किया है, जहाँ पे अपने फर्स्ट कपड़ा यूज़ किया था, वो क्लीनर में जो है हमने डिश वॉशर का लिक्विड मिलाया था, तो उसकी वजह से जो है आप बोल सकते हो कि स्मेल थोड़ी अलग आ सकती है। एंड हम लोग जो है खाने पीने की चीज़ें रखते हैं फ्रिज में, इसलिए स्मेल आपकी अच्छी ही आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने फ्रिज का लाइट ऑन करके आपको दिखाया था कि मेरा फ्रिज जो है बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी उसमें पीले दाग वगैरह नहीं है। अंदर का फ्रिज जो है वो पूरा क्लीन होने के बाद में बाहर वाला जो पार्ट है उसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। हम लोग कितना भी ख्याल रखें लेकिन खाना बनाते टाइम पे या फिर इवन बिना खाना बनाए भी जब भी आप फ्रिज को हाथ लगाते हो, ऐसा नहीं है कि आपका हाथ हमेशा ही क्लीन रहता है। क्लीन भी हैंड हुआ ना तो भी जो उंगलियां हैं उनके फिंगरप्रिंट्स जो है वो फ्रिज के ऊपर आ ही जाते हैं, इसलिए बाहर का पार्ट जो है वो भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। हैंडल को आप क्लीन कीजिए, हैंडल के पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको भी आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे 15-20 मिनट्स के लिए या फिर आप बोल सकते हो आधे घंटे के लिए फ्रिज को खुला ही छोड़िए, उसमें कुछ भी सामान मत रखिए एंड फ्रिज को बंद ही रखिए। आधा घंटा होने के बाद में जो है यहाँ पे जो है मैं अपना जो पुराना वाला जैसा सामान मैंने रखा था वैसा ही मैं यहाँ पे रख दूँगी, तो ताकि मेरा फ्रिज जो है वो पहले के जैसा ही ऑर्गेनाइज हो जाए। वीकली बेसिस पे फ्रिज करने का एक और ये भी बेनिफिट होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग अभी अलग अलग रेसिपीज़ बनाते हैं तो अलग अलग चीज़ें हमें लगती हैं। हम चीज़ें बनाते हैं कुछ घर पे, कुछ जो है बाहर से लेके आते हैं, हम लोग हर दिन उनका एक्सपायरी नहीं देखते हैं। वीकली बेसिस पे अगर आप ये सारी क्लीनिंग करते हो फ्रिज की तो आप जो है ऐसी वाली चीज़ें उनका एक्सपायरी डेट भी देख सकते हो, तो उससे आपको एक बेनिफिट होता है कि कोई भी चीज़ आप जो लेके आते हो मार्केट से या फिर घर पे भी बनाते हो उसके बारे में आपको ख्याल रहता है, आपको ध्यान में रहता है कि हाँ मेरे फ्रिज में ये चीज़ भी है, ये भी है मेरे पास, इसका एक्सपायरी जल्दी आने वाला है तो मुझे ये चीज़ जो है सबसे पहले यूज़ करनी है। इसकी वजह से आपकी कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं होती है। ये एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है आपके लिए। आप उस चीज़ की वजह से अगर आपका कुछ वेस्ट नहीं होता है ना तो आप सेटिस्फाइड भी रहते हैं एंड आप बोल सकते हो फाइनेंशियली भी ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड हम लोगों को सेटिस्फैक्शन लेवल जो है इससे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड क्लीनिंग तो है ही, क्लीनिंग तो हो ही जाती है, तो इस तरीके से जो है आपको वीकली आपका फ्रिज अच्छे से क्लीन करना चाहिए। मेरा जो फ्रिज है ये थोड़ा सा पुराना फ्रिज है, मतलब मेरी मदर इन लॉ का ये फ्रिज है, तो फ्रिज काफ़ी छोटा है मेरा, मतलब वैसे मेरी फैमिली भी छोटी है लेकिन अभी फैमिली छोटी हो या बड़ी हो बहुत सारी चीज़ें हर एक फ्रिज में तो रहती ही है, राइट। तो इसलिए मुझे जो है छोटा ही फ्रिज क्यों ना हो मुझे बहुत अच्छे से उसको मैनेज करके रखना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे जो है डीमार्ट में अगर आपने देखा होगा तो ऐसे हैंडल वाले जो भी बास्केट सभी आते हैं वो नॉर्मली अलग चीज़ें रखने के लिए आते हैं, लेकिन मैं जो है उसमें सब्ज़ी रखती हूँ, तो सब्ज़ी रखने से मुझे फ़ायदा ये होता है कि पूरा एक अगर मैं बास्केट बाहर निकालूँ तो उसमें जो भी सब्ज़ियाँ हैं वो मुझे दिख जाती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग मैं उसका यूज़ जो है वो कर सकती हूँ। अलग अलग सब्जियाँ रखने के लिए मैं सब्ज़ी वाली जो बैग्स आती है वो भी यूज़ करती हूँ एंड अगर वो कम पड़ जाती है तो आजकल जो कपड़े वाले बैग्स मिलते हैं वो कपड़े वाले बैग्स में मैं यूज़ कर लेती हूँ।
तो उससे जो है मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से रहती है एंड एक ही जगह पे मुझे पूरी सब्ज़ी मिल जाती है। नीचे वाला जो एक्चुअली वेजिटेबल का पॉट आता है वो पॉट जो है उसमें मैं सब्ज़ी नहीं रखती हूँ क्योंकि उसमें सब्ज़ी मेरी बहुत सारी नहीं बैठती है, इसलिए मैं जो है वो वेजिटेबल पॉट्स वाला जो पॉट है उसको मैं ड्राई फ्रूट्स, एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो रखने के लिए, या फिर सूजी या फिर जो भी हम लोग यू नो दाल वगैरह एक्स्ट्रा के लाते हैं वो सब मैं स्टोर करने के लिए फ्रिज का जो यूज़ है वो करती हूँ। फ्रिज का नहीं, आई एम सॉरी, जो वेजिटेबल पॉट है उसका यूज़ मैं करती हूँ। आप देखिए मेरा फ्रिज जो है पूरा भर गया है सामान से, ऐसा ही सबका फ्रिज होता है आई नो, लेकिन फ्रिज ऐसी चीज़ ही है जिसको आप भरते ही रहते हैं, कम तो वो कभी होता ही नहीं है। वीकेंड पे थोड़ा बहुत शायद से कम हो जाता है जब सब्ज़ी या फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, अदरवाइज़ जो फ्रिज है हमारा वो पूरा भर के ही रहता है। इसलिए आपको जो है फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज्ड फ्रिज में आप जो है कितना भी ज़्यादा सामान हो अच्छे से उसमें स्टोर कर सकते हो एंड आपका सामान जो है वो फ्रेश भी रहता है, किसी चीज़ की स्मेल भी नहीं आती आपके फ्रिज में एंड बहुत अच्छा दिखता है। अगर आपकी जगह कोई और भी आपका फ्रिज ओपन करे तो उसको एक प्लेजेंट मतलब फीलिंग आनी चाहिए आपका फ्रिज ओपन करने के बाद में। तो यहाँ पे मेरा फ्रिज क्लीनिंग रूटीन ख़त्म हो गया है, ये मैग्नेट्स मैंने फिर से लगा दिए हैं। आप मुझे बताइएगा आपको ये फ्रिज क्लीनिंग रूटीन कैसा लगा एंड आप भी ये फ्रिज क्लीनिंग रूटीन फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।